बात करते हैं रीवा जिले की, जहां समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान थाना सिटी कोतवाली के आला अधिकारियों के ऊपर खुलेआम अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि थाना सिटी कोतवाली की उदासीनता व अकर्मण्यता के चलते अतिक्रमणकारी राजस्व न्यायालयों के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। चोटीवाला ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पीड़ित पक्ष भानु प्रताप सिंह, राकेश सिंह पिता कमल भान सिंह निवासी ग्राम महुआ तहसील व थाना मनगवां जिला रीवा ने विगत माह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक रीवा से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया था। गड़रिया टोल प्लाजा स्थित उनकी भूमि का रकबा 4600 वर्ग फीट स्थिति ग्राम गड़रिया पटवारी हल्का जूरी कोठी तहसील हुजूर नगर रीवा में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें से 0.036 हेक्टेयर भूमि पर अनिल प्रताप सिंह पिता केपी सिंह भदौरिया व अरुण प्रताप सिंह भोलानाथ पटेल, रामनिवास पटेल, महेंद्र पटेल एवं अन्य बार बार जबरदस्ती अवैधानिक कब्जा कर रहे हैं, जबकि उक्त आराजी का कब्जा तहसीलदार हुजूर रीवा के आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 के मुताबिक कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 के आधार पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला व उपनिरीक्षक थाना सिटी कोतवाली सौरभ सोनी एवं हल्का पटवारी तथा पीड़ित पक्ष की उपस्थिति में 2 मई 2022 को दिलाया गया था, जिसका स्थल पंचनामा भी बनाया गया, जिसमें थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक सौरभ सोनी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित स्थानीय पटवारी ने हस्ताक्षर किया था। कब्जे में एक कमरे का मकान भी बनवा लिया था। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने पीड़ित की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया था। आरोप है कि थाना सिटी कोतवाली की सह पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। श्री चोटीवाला ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि 15 दिवस के अंदर मामले में नहीं हुई तो अतिक्रमण स्थल पर ही आंदोलन प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने क्या कहा है। एक गड़रिया इसकी जमीन है, उस पर अनिल सिंह भदौरिया और भोला पटेल द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके संबंध हमने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को कई बार आवेदन दिया, पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया हो, कलेक्टर को भी आवेदन दिया हो और सिविल न्यायालय से स्थगन होने के बाद भी मेरी बाउंड्री वॉल को तोड़ करके और अपना बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, मकान निर्मित किया जा रहा है, जबकि कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उनका अतिक्रमण हटाया जा चुका है। तहसीलदार यतीश शुक्ला और थाना का जो उप निरीक्षक है सौरभ सोनी ने मौके पर जाकर के 2 मई हमको कब्जा दिलाया। कब्जा दिलाने के बाद भी उन लोगों ने 18 मई को फिर से हमारे बाउंड्री वाल निर्माण कराया, एक कमरे का मकान निर्माण कराया और मकान निर्माण कराने के बाद इन लोगों ने फिर से मेरी बाउंड्री वाल को तोड़ा, तो हमने आनंद में तत्काल धरना प्रदर्शन वहीं पर धरने पर जब बैठ गए तो थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने उसी रात 12 बजे अपने पुलिस दल के साथ वहाँ पहुँचे और धरना प्रदर्शन खत्म तब हुआ जब उन्होंने उसके द्वारा बनाई गई बाउंड्री और गेट को तोड़ करके और हम लोगों को कब्जा दिलाया गया। इसके बाद भी अनिल सिंह भदौरिया द्वारा जबकि सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश है कि जो जहां स्थित है वो वहीं रहेंगे, इसके बाद भी स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्होंने मेरी बाउंड्री को फिर से मकान को फिर से तोड़ दिया और अपना मकान निर्मित किया जा रहा है। इस संबंध में हमने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, थाना प्रभारी हो, सभी के पास गुहार लगाई है कि हमारा जो जमीन है उसको मुक्त कराया जाए। जान से मारने की धमकियां तमाम मिल रही हैं, तो इस तरह से हम उस जमीन को मुक्त कराने के लिए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हो, चाहे राजस्व के हो, सब लोगों को हमने आवेदन दे करके थक हार चुका हूँ। मैंने एक बार फिर से अब मीडिया के माध्यम से उन्हें आगाह कराना चाहता हूं कि यदि हमारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया तो आज से ठीक 15 दिन के बाद हम फिर से उसे जमीन के पास गड़रिया में टोल प्लाजा के पास जो स्थित है वहीं पर फिर से अनिश्चितकालीन हम धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि पंजीयन से ही जमीन का दस्तावेज से ही माना जाता है कि इसकी जमीन ये है,
तो तमाम सारे दस्तावेज होने के बाद भी सिटी कोतवाली पुलिस उस जमीन को हमारी जमीन मानने को तैयार नहीं है। जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है उसकी जमीन को वो मानने को तैयार है। इसलिए साफ साफ है कि सिटी कोतवाली पुलिस के सह पर हमारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और पुलिस चुपचाप चुप्पी साधे बैठी है। ये तमाम सारे अधिकारियों को भी मालूम है लेकिन पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि शांतिपूर्ण हम कानून का सहारा लेकर के और अपनी जमीन पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हमको तो ऐसा लगता है कि कोई इस फिराक में है, कोई बड़ी वारदात हो जाए। और अभी आप देखे हैं कि कई मामले सामने आए हैं जमीन को लेकर के, तमाम मारपीट, तमाम सारे मुकदमे हो रहे हैं और पुलिस यही चाह रही है।